7 तारीख हाँ। इनको पहले धमकी उनके भी मिला था। हाँ धमकी दिया था कि घर से उठा कर लेते जाएंगे पहले तो दुकान पर से। कौन दिया था धमकी? वही टिंकू सिंह। टिंकू सिंह तो क्या मतलब घर से क्या काम करने के लिए गया था? बैंक गया था चाचा जी। बैंक गया था? कौन सा बैंक? कौन सा बैंक? इलाहाबाद बैंक हरचंडी का। हरचंडी है इलाहाबाद बैंक। बैंक से ही लापता हुआ? हाँ बैंक से लापता। कितना कितना बजे लापता हुआ था? 2 बजे हुआ। 2 बजे के आसपास। घर से कितने बजे निकले थे? घर से सवेरे निकला था 7 बजे। 7 बजे निकला था। आपका नाम क्या हुआ? संगम कुमारी। संगम कुमारी। और जो आप जो अभी जो लापता हुए इनका नाम क्या है? बलराम सिंह। बलराम सिंह। क्या हुआ आपके साथ ये बताइए। पति को उठा के ले गया है हरचंडी से। हरचंडी से 7 आदमी उठा के ले गया है। 7 आदमी। 7 आदमी। कौन कौन था ये? स्कॉर्पियो से ले गया। कौन कौन था? कौन कौन लेके गया? मेन मुतालक से टिंकू सिंह। टिंकू सिंह और? और उसके साथ में आए सर नौ मामू सर। नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं सर। ये कब का घटना था? 7 तारीख को। 7 तारीख को तो आप लोग थाना में आवेदन दिए थे? हम दिए हैं सर। तो थाना वाला क्या बोल रहा है अभी? थाना वाला बोल रहा है कि हम दे दीजिए। और इनके कौन हुए जो लापता है? मेरा पति है सर। पति है? क्या नाम है आपका पति का? बलराम सिंह। बलराम सिंह। आपका नाम क्या हुआ? सुनैना देवी। कौन सा थाना पड़ता है आपका? नवादा थाना। नवादा थाना। कौन सा पंचायत है ये? हमारा हरचंडी। हमारा हरचंडी। कौन सा जिला में पड़ता है? बका जिला। बका जिला में। अच्छा ये कुछ विवादित भी चल रहा था? हाँ, जमीन का विवाद है। जमीन का विवाद है? हाँ। क्या कितना दिन से जमीनी विवाद चल रहा है? 4 साल से चल रहा। धमकी उमकी भी दिया था? धमकी दिया है 15 दिन पहले दिए है। क्या धमकी दिया था? धमकी दिया है कि आपको उठा लेंगे, घर से खींच लेंगे, ये कर देंगे, आपका दुकान बंद करवा देंगे। अच्छा तो ये कौन दिया था धमकी? टिंकू सिंह दिया है। टिंकू सिंह दिया था। तो थाना को आवेदन दिया था? थाना कुछ बोला नहीं इसमें? कुछ नहीं बोला हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, कुछ नहीं कर रहा है। कुछ पूछना है? खुश सिंह कहाँ का रहने वाला? अल्ला चक्का रतनगंज पुलरिया का। नचंदरपुर रिया का। कौन सा थाना पड़ता है इनका? अमरपुर। अमरपुर पड़ता है। कौन है पापा? क्या नाम बताओ? शुभम कुमार। कौन लेके गया पापा को तुम्हारा? बता रहे टिंकू सिंह। टिंकू सिंह लेके गया? कब लेके गया बाबू? पापा है तुम्हारा? क्या नाम है पापा का? क्या नाम हुआ तुम्हारा बाबू? नया कुमार। कब तुम्हारा पापा कब लापता है? 7 तारीख। कोई धमकी वमकी भी दिया था? टिंकू सिंह। कहाँ का रहने वाला बाबू? मेरा चाचा जी है। आपका चाचा जी? हाँ मेरा चाचा जी है। कब लेके गया? 7 तारीख को। 7 तारीख को। हाँ। इनको पहले धमकी उनके भी मिला था? हाँ धमकी दिया था कि घर से उठा कर लेते जाएंगे पहले तो दुकान पर से। कौन दिया था धमकी? वही टिंकू सिंह। टिंकू सिंह। हाँ। तो क्या मतलब घर से क्या काम करने के लिए गया था? बैंक गया था चाचा जी। बैंक गया था? कौन सा बैंक? कौन सा बैंक? इलाहाबाद बैंक हरचंडी का। हरचंडी है इलाहाबाद बैंक। हाँ। तो बैंक से ही लापता हुआ? हाँ बैंक से लापता। कितना कितना बजे लापता हुआ था? 2 बजे हुआ। 2 बजे के आसपास। घर से कितने बजे निकले थे? घर से सवेरे निकला था 7 बजे। 7 बजे निकला था। आपका नाम क्या हुआ? संगम कुमारी। संगम कुमारी। और जो आप जो अभी जो लापता हुए इनका नाम क्या है? बलराम सिंह। बलराम सिंह। रेणु कुमारी। ये जो अभी जो लापता हुए ये आपका कौन है? टिंकू सिंह। कौन है आपका? कौन है? टिंकू सिंह भाई है। टिंकू सिंह आपका जी? दरोगा साहब को जब FIR लिख करके हम लोग दिए तो उन्होंने उसका कॉपी भी नहीं दिया और उल्टे हम लोगों पे ही इल्जाम लगाने लगा कि ये फर्जी है, ये कोई केस नहीं है, ऐसे वैसे गाली गलौज हमें। FIR कॉपी पे रिसीविंग करके दिया है? नहीं रिसीविंग करके नहीं दिया, सिर्फ बोला लिख के दे दो हो गया। उनको बोला ना कि रिसीविंग दीजिए हमको?
बोले लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं हुए, बोले कि हो गया आप जाइए। और कुछ विशेष हुआ? नहीं, गाली गलौज करने लगे, बोलने की फर्जी वगैरह है, इससे कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ। गाली गलौज भी? हाँ, गाली गलौज करने लगे। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार, कौन है आपका जो लापता हुआ? वो तो गांव समाज का भाई लगेगा। भाई लगेगा। थाना गए तो क्या बोला थाना पर? थाना पर तो बोला कि सोया हुआ है, अभी नहीं जगेगा, शाम तक वेट करो। तब सोया हुआ है? बड़ा बाबू। बड़ा, क्या नाम है बड़ा बाबू? नसीम खान। नसीम खान, हाँ। क्या बोला, सोया हुआ है? हाँ, सोया हुआ है, नहीं जगेगा। सांझे शाम जो है ना, हम सब वहीं पर बैठे रहे। कितना बजे गए थे थाना? लगभग गए थे वही 3:30 बजे। 3:30 बजे कितना बजे लौट के आए थाना? लगभग लौट के आए 6 बज गए। 6 बज गया था। इसमें थाना प्रभारी कुछ बोला भी आप लोग? नहीं, बोला तो हमारे सामने में, हम तो बाहर में थे, ये सब गया था अंदर। हाँ, क्या बोला थाना प्रभारी? तो वो तो फिर जो जज करके आया, फिर क्या हुआ ये बात हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं, लेकिन ये हम बाहर में थे, आप लोग के जाने के बाद ये सोया हुआ था? हाँ, जैसे आए तो सोया था। चौकीदार बोल रहा था सर कि अभी सोने का टाइम है सर का, अभी नहीं जगेगा, 2 घंटा के बाद आना। उनको बोले ना कि अपहरण का केस है सर, और आप बोल रहे हैं कि सोने का टाइम है? हाँ सर, झाड़ देता था ना इन लोग को। हाँ। झाड़ता इतने जोर से झाड़ता था कि जहर जनानी सब जो है शांत रहता था। तो उसके बाद 6 बजे 5 बजे जो है रिपोर्ट लिखा। थाना कैब जब पहुँचे थे वही 3:30 बजे, 3:30-4 बजे। रिपोर्ट कब लिखा? रिपोर्ट तो शाम में लगभग 5:30 बजे। 5:30 बजे वो भी